ये शहर अपने आप में, यहाँ की आबो हवा, मौसम है, ये बड़ा आर्टिस्टिक टाइप का है। और आप हैं विज्ञान के विद्यार्थी? नहीं, एक्चुअली में जो साइंस का विद्यार्थी होता है वो आर्ट में, नेचर में काफी रुचि। चंदिया बजो चाना बिलारे, जब हम दो पहाड़ी लोग मिलते हैं हम हिंदी में बात करते हैं, तो यकों कशी खत्म करन, ये एक आंसर नाम है। हमें जो पायलट सेप्शन, तो जिसके तो पहाड़ी में बुलानी मिले पहाड़ी में शुरू हो जाए। मैं ख्याल हमें वहाँ दिक्कत ये कि पहले आप वाले तो लखनऊ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगो, पहले आप लखनऊ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। क्या स्टेटस है कि माहौल को लेकर? शायद इसको कोई विश्वास नहीं करे, और मैं झूठ बोलता नहीं, आई नेवर थॉट कि इस तरीके का वर्क कल्चर मुझे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में मिलेगा, एंड गवर्नमेंट का इस लेवल का सपोर्ट। इन वन ईयर देयर इज नो फोन कॉल व्हेन आई फेल्ट अनकंफर्टेबल। स्पेशली कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए बड़ी जानी जाती थी। हाँ, एक वो कल्चर डेवलप हुआ जो वाइस चांसलर का जो अंदर वाला गेट है ना, वहाँ पूरे कॉरिडोर में बैठ जाते, रेस्ट रूम है अंदर, वहाँ से खिड़की बना रखी है जहाँ से वाइस चांसलर बाहर जा सकते हैं चुपचाप से, ठीक है, बंद करिए सब। हम इनको एक तो कंट्रीब्यूटर कैसे बनाए, और दूसरा इनको कॉन्ट्रैक्टर भी बनना है तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनाए? टोटल 26 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम होल कंट्री फ्रॉम 14 स्टेट्स गॉट 100 करोड़ का कुमाऊं यूनिवर्सिटी बनाओ, तो उससे हम 6-7 नए सेंटर डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। हम पिछले एक साल में 53 न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए इस यूनिवर्सिटी। आपको पता है 50 साल कंप्लीट किया हमने इस साल इस यूनिवर्सिटी ने। यहाँ का फुटफॉल आपको पता है कि वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दिल्ली में जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन लगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मेरी शहर में मेरी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं लिखा। हल्द्वानी से ऊपर को मैं आ रहा हूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहीं तो लिख दो, कुछ नहीं करेगा वो, ये फीलिंग तो लेके जाए इस शहर में एक यूनिवर्सिटी है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे अलाउद्दीन खिलजी की जो पिक्चर है आज भी मेरे जहन में है, क्योंकि इतनी कलरफुल पिक्चर होती थी और हम उसको आता था ड्रॉ करके लाइया, क्या उसको जरूरत थी? उसको पढ़ने के बाद मुझे जहाँ तक अभी तो समझ में आया कि मेरे ऊपर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा डेवलप। मुझे आज से 8-10 साल पहले पता चला हमारे यहाँ एक सम टेम्पल, किसकी गलती है, जो शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर था। पर सोशल मीडिया का एक्चुअली में एक जो सबसे अच्छा मेरे को पॉजिटिव आउटकम लगा, हमारे अपने कल्चर को रिवाइव तो करेगी। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एक्चुअली ऑन दिस, बिकॉज मैं जब दिल्ली में था मैं वहाँ से फॉलो कर, तो द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आप कल्चर को लेकर करते हैं बहुत कमेंडेबल है। पहला आप सफल नगर, मैं प्रोफेसर दीवान सिंह रावत हूँ, कुमाऊं विश्वविद्यालय वाइस चांसलर। तो चलिए इस पॉडकास्ट की करते हैं शुरुआत, और इसमें बातों के भी बहुत रंग देखने को मिलेंगे और मौसम के भी, क्योंकि नैनीताल में हम लोग हैं। और सर से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे हर आधे घंटे में बदलता है, पर मुझे तो यहाँ हर आधे मिनट में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो एक लाइटर नोट के सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। ये शहर अपने आप में, यहाँ की आबो हवा और जिस तरह से झील है, वातावरण है, मौसम है, ये बड़ा आर्टिस्टिक टाइप का है, और आप हैं विज्ञान के विद्यार्थी, तो ये साइंस एंड आर्ट को आप जोड़ पाए हैं अब तक? नहीं, एक्चुअली में जो साइंस का विद्यार्थी होता है जी, उसको आर्ट में, नेचर में काफ़ी रुचि होती है जी। सो ये जो नैनीताल का जो मौसम है, मैं तो यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ जी, सो ये दिल के बहुत करीब है जी। तो क्या अंतर पाते हैं जब आप 30 बरस पहले यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए और अब उसी जगह पे आप यहाँ पे कुलपति के तौर पे हैं, तो कैसे देखते हैं? या इट्स अनबिलीवेबल, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब मैं 85 में इस सिटी में आया था तो मैं एक अनजान बच्चे की तरह यहाँ पर आया। 30 साल के बाद मुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन को सर्व करूँ। काफ़ी चेंजेस हुए, बहुत पानी शायद तब से बह गया है, कोशिश कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को एक अच्छी ऊंची हाइट तक ले जाए। आप यहाँ से, एक नज़दीकी जनपद है बागेश्वर, वहाँ से आते हैं और वहीं पे पढ़ाई शुरुआत की और फिर आगे बढ़े, किस तरह से देखते हैं? आमतौर पे हमारे यहाँ से ज़्यादातर लोग फौज में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशन के चीफ के तौर पर एक तरह से कहूँ कम लोग मिलते हैं, इस जर्नी को कैसे देखते हैं? आपने सही कहा, मैं क्लास 9th तक गांव से ही पढ़ा था। खेतों के जितने भी काम हमारे गांव में होते हैं मुझे सब आते हैं और सब करता था। हमारे यहाँ घट लगभग 3-4 किलोमीटर दूर होता था, हम घट पीस के लाते थे, पानी उस समय हमारे यहाँ 2 किलोमीटर दूर था। एंड 9th पास करने के बाद जब मैं नैनीताल में यहाँ सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए आया, तो कभी ये सोचा नहीं था कि हम यात्रा यहाँ तक जाएगी, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि जो हमको गाइड कर सके। अब आपने जैसे आर्मी का और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात की, इनफैक्ट जब मैं यहाँ 12th में पढ़ता था तो हमारे फादर जो हैं
चाहते थे कि नौकरी जल्दी लग जाए, जैसा हर फादर की इच्छा होती है। तो हमारे एक गांव के कोई हमारे चाचा लगते थे, वो आसाम राइफल में थे, हवलदार, एंड अल्मोड़े में एक्चुअली में उनकी भर्ती होनी थी। अच्छा। सो मेरे को कहा गया उस भर्ती को अटेंड करें, ऊपर एक रैमजे स्कूल है अल्मोड़े में, तो उनके ग्राउंड में जो था वो भर्ती का कार्यक्रम होना था, और मैं उसमें पार्टिसिपेट किया एक्चुअली में। एंड दिन तक हम लोगों को यू नो पूरा कपड़े उतार करके बैठाया गया वहाँ पर, एंड जब लंच तक हो गया, 3-4 घंटे हो गए, देन आई डिसाइडेड टू कम बैक। एंड घर से खूब डांट भी पड़ी कि नौकरी लग जाती तुम छोड़ के आ गए। सो दिस इज़ हाउ आई चेंज दैट। एंड फिर यहाँ पर जब नैनीताल में आई, आप मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जब आप गरीब घर से आते हैं, ऐसे घरों से आते हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी। मैं यहाँ पर एक प्रोफेसर एम सी दुर्गापाल थे, यहीं नीचे वो रहते थे, उनके घर में आता था, उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। एक SDM थे एम सी जोशी साहब, उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। एंड हाई स्कूल करते करते, मतलब मैं गांव से आया था तो उतने अच्छे नंबर नहीं आए, बट MSc में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया था। फिर उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट गया लखनऊ में, वहाँ से PhD की। नौकरी नहीं मिली तो हम इंडस्ट्री चले गए, 2 साल फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया। बट टोटल अगर इसको सम अप किया जाए, एक ये है कि कभी ये नहीं सोचा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। बट एक चीज़ ज़रूर थी अंदर से कि कुछ नया करना है, ईमानदारी के साथ करना और बड़ा करना है। एंड मेहनत हमने बहुत की, आज भी हम उसी तरह से मेहनत करें, 10-12 घंटा काम कम से कम करते हैं हम अभी भी। सो दैट पुश्ड मी अप टू दैट लेवल। आप नवाचार को लेके, इनोवेशन को लेके, स्टार्टअप्स को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्किल बेस्ड चीज़ों को लेके क्या सोचते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे क्या कुछ हो रहा है? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, जो आपने ये क्वेश्चन उठाया। ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल, यहाँ यहाँ हो या वर्ल्ड में कहीं भी है, कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम इतनी कमिटीज में बैठते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग एक्चुअली में शायद क्वालिटी के बारे में कभी बात ही नहीं करते, हम सिर्फ नंबर की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में भी जो डिस्कशन चलते हैं, वो क्वालिटी डिस्कशन का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। हम जब सिलेक्शन कमिटीज में जाते हैं, वहाँ हो सकता आपको 100 बच्चे एक उसके स्क्रीन आउट हुए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा आएंगे, बट जब आप उनको इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है उसमें 4-5% ऐसा बच्चा है जो डिजर्व करता है जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्वालिटी में फोकस कम कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का अपनी एक लीगेसी है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे वो एलुमनाई के तौर पर हों, चाहे हमारी फैकल्टी जो थी। जब मैं 30 साल यहाँ पर पहले पढ़ता था, हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं होती थी, एंड टीचर इतने मेहनत के साथ पढ़ाते थे, मैं आपको बताने चाहता हूँ, उस तरह के टीचर मेरे को कहीं दूसरी जगह नहीं दिखे, तो वो इतने कमिटेड थे उसमें। बट जैसे सोसाइटी में एक डाउनफॉल हुआ है, तो टीचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसमें भी डाउनफॉल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो दो चीज़ें होती है जो यूनिवर्सिटी की जो एक संरचना होती है, उसमें दो बड़े कंपोनेंट है, एक टीचिंग है, दूसरा रिसर्च है। जो बच्चा आपके यहाँ से निकलता है वो आपकी टीचिंग की वजह से निकलता है, कि आप कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ। बट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी क्वालिटी पब्लिकेशन से जानी जाती है। अनफॉर्चुनेटली ऑफ लेट क्या हुआ कि एक तो शायद हम उस क्वालिटी के अपॉइंटमेंट्स को फोकस नहीं किए, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था उसमें हमने फोकस नहीं किया। एज ए रिजल्ट लोगों ने काम करना बंद कर दिया। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, समबडी टोल्ड मी इन वन ऑफ द मीटिंग्स, ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, इनफैक्ट आई विल टेक यू बैक व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टीचर्स की या कॉलेज टीचर्स की रेपुटेशन सोसाइटी में क्या है। सो जब मैं दिल्ली में आया तो मुझे पता चला मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ है, बिकॉज माई अपॉइंटमेंट इन एब्सेंशिया सिलेक्शन विदाउट इंटरव्यू के हुआ था, और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो ये दर्शकों को ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने उसमें, मेरे पास मोबाइल नहीं था 2003, तो मैं ISBT से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मैंने 2 फ़ोन कॉल किए, एक अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडरशिप की ऑफ़र हुई है, दूसरा मैंने अपने कज़न ब्रदर को फ़ोन किया जो दिल्ली में एक मंत्रालय में किसी मिनिस्टर के साथ थे। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तुम कब ज्वाइन करोगे, तो मैंने कहा मैं शायद यहाँ ज्वाइन नहीं करूँ,
क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है लोग काम नहीं करते, क्योंकि मैं जब सुबह वहाँ आया था तो मैंने डिपार्टमेंट को विजिट किया तो देखा तो वहाँ ताले लगे हुए डिपार्टमेंट. तो व्हाट ही रिस्पॉन्डेड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये सर कि बेवकूफ़ हो क्या ऐसा ढुआई, ये सर कि तुम अभी 32.5 साल के हो, तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीडरशिप की पोजिशन मिली है जहाँ न जाना होता है न पढ़ाना होता है. ओके, सो दैट्स द रेपुटेशन ऑफ इन द सोसाइटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर एंड दैट इज़ देयर. अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं तो यही कहते ना कि वहाँ कोई जाता नहीं, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ करेक्ट दैट स्टेटमेंट इज, नंबर वन. नंबर टू, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट स्टेटमेंट. एज अ टीचर ये रेपुटेशन अगर सोसाइटी में आई है उसकी लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे एज अ टीचिंग कम्युनिटी. सो एज अ टीचिंग कम्युनिटी हमने सोसाइटी में एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि हम लोग कुछ नहीं करते. सो सेम थिंग वॉज डिस्कस इन वन ऑफ बिग मीटिंग्स एक्चुअली एंड आई सेड आई टोटली एग्री टू दैट. आई सेड टोटली एग्री बट आई वॉन्ट टू आस्क अ काउंटर क्वेश्चन. आप मुझे ये बताइए, आपने अगर यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किया लोगों को, बाहर से लोगों को लाए, अच्छे ट्रेन लोगों को लाए, आप मुझे ये बताइए उन लोगों को आपने रिसर्च के लिए क्या फैसले मुहैया कराई. आपने 10 साल तक किसी टीचर को बैठने की जगह नहीं, रिसर्च लैब के लिए जगह नहीं दी, आपने एक पैसा उनको नहीं दिया, तो आदमी काम कहाँ से करेगा. तो आपने काम करते को ख़त्म कर दिया, नंबर पार्ट नंबर वन. पार्ट नंबर टू, जो लोग बोलते हैं कि फंडिंग बाहर से लानी चाहिए. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता हूँ, मैं बहुत सारे इन कमिटीज़ का पार्ट भी हूँ. से अवर बजट इन एजुकेशन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले और आज कितना डिफरेंस आया है. अगर इसका कंपेरिजन हम इन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन से करें, हमारे IITs कितने थे, कितने IITs आज हो गए हैं, कितने एम्स बढ़ गए हैं. तो जब बजट फंडिंग वो प्रोसेस शुरू होता है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो शेयर होता है, जो अप्लीकेशन जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं भी वहाँ बैठता हूँ. एक होता है इंटेलेक्चुअल बायस होता है, राइट. अगर मान लिया आप इंटरव्यू कर रहे हैं कोई IIC बेंगलोर से, तो आपका दिमाग में अपने आप आएगा, चाहे कर रहा नहीं कर रहा बात दूसरी है, आपके दिमाग में आएगा ना. कोई MIT से आए, कोई हार्वर्ड से आए, अब किसी को बोलो तो हम इस यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं, कितना भी अच्छा आदमी होगा, एक नेचुरल बायस शुरू होता है. तो जब ये प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग होता है तो स्टेट यूनिवर्सिटी को बहुत कम मिल पाता है. सो तो रिसर्च कहाँ से. सो टू टैकल दैट प्रॉब्लम एक्चुअली व्हाट वी डिड हियर इन लास्ट वन ईयर, वी स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस, हमने 2 लाख रुपया टीचर्स को पर ईयर रिसर्च के लिए फंड किया. हमने फंड किया बच्चों को, मास्टर्स स्टूडेंट्स को, PhD स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को. आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, हम फंड करिए. क्यों, हमारे यहाँ का जो बच्चा है बहुत मेहनती होता है. मैं तो यहीं से पढ़ाऊँ ना, कितनी मेहनत करते हैं. अभी भी मैं हॉस्टल में गया, बच्चों को देखा, मैं लाइब्रेरी में जाके देखता हूँ, बच्चे मेहनत करते हैं. अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हम लोगों के पास एक्सपोजर नाम की कोई चीज़ ही नहीं, नंबर एक. नंबर दो, जब मैं गाँव से यहाँ आया तो मुझे लगा तो दुनिया में सबसे बड़ा तो यही है, क्योंकि मैंने इसे बाहर नहीं देखा था. जब आप बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 4 घंटा काम करना इम्पोर्टेंट है कि 12 घंटा काम करना इम्पोर्टेंट है. जब आप लोगों को देखेंगे, लोग किस एज में कितनी मेहनत करते हैं, तो आप अपने आप को उसके लिए इक्विप करेंगे. देन हमने स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाई, हमने इंटर्नशिप, जो अभी यूनियन बजट में भी फिगर आउट हुआ है कि 5 करोड़ लोगों को नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 1 करोड़ लोगों को नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंटर्नशिप देंगे 5,000 की. ये 6 महीने पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया था. हम अपने PG स्टूडेंट्स को 5,000 रुपये की फेलोशिप दे रहे हैं, इंटर्नशिप करने जाते हैं, लैब इंटर्नशिप एंड हम लोग ऑफिस इंटर्नशिप की पॉलिसी लेके आए हैं, उसमें हम 3,000-3,000 रुपये बच्चों को देते हैं. देन 30 लाख का बजट, ये पहली बार खड़ा होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा. 30 लाख का बजट हमने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी के लिए रखा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली में, जो शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर रहा, वो ये, हम अपने बच्चों को उनके बारे में नहीं बता पाए, बाकी सब पढ़ा दिया हमने उनको. जैसे आप बागेश्वर से हैं, मैं भी उसी रीजन से हूँ. मुझे आज से 8-10 साल पहले पता चला हमारे यहाँ एक सम टेम्पल, किसकी गलती है, एज ए स्टूडेंट मेरी गलती थी या मेरे पॉलिसी मेकर किसकी गलती थी. या मुझे अलाउद्दीन खिलजी की जो पिक्चर है आज भी मेरे जहन में है, क्योंकि इतनी कलरफुल पिक्चर होती थी और हम उसको आता था ड्रॉ करके लाइया, क्या उसको जरूरत थी. उसको पढ़ने के बाद मुझे जहाँ तक अभी तक समझ में आया कि मेरे ऊपर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा डेवलप हुआ. सो आई शुड हैव बीन टॉट अबाउट माई ओन
स्टप्स, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, अभी भी हमने सीखा नहीं इसमें, बातें बड़ी करते हैं। अभी मैं पहली बार मैं सन टेम्पल देखने गया जस्ट 2-3 महीने पहले, वहाँ पर NIHE का इंस्टीट्यूट है, उसका मैं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ, वहाँ मीटिंग थी, बहुत अच्छा बना थी। बट हम जैसा आप अभी बात कर रहे थे, बट हमारी सोच एक लेवल से ऊपर नहीं जाती, यहाँ से ऊपर जाते हुए यहाँ से अल्मोड़ा जाने तक कहीं सन टेम्पल नहीं दिखा। पांडे खोला के कोने में छोटा सा वो लगा रखा है, सन टेम्पल है यहाँ पर कहीं इतना किलोमीटर, सो वी आर नॉट प्रोपोगेटिंग इट टू अप टू दैट लेवल। तो हमने क्या किया कि बच्चों को, अब बच्चों को आप पढ़ाओगे कैसे इसको, ये करिकुलम का पार्ट नहीं, तो ऐसे एक नो योर रूट्स करके प्रोग्राम चलाइए एंड एडवर्टाइज करिए स्टूडेंट के बीच में, हम कैश प्राइजेस देंगे, 3-3 हज़ार रुपये का कैश प्राइज देंगे, मे बी टॉप 10 बच्चों को दे दीजिए, तो उसमें 200-250 बच्चा पार्टिसिपेट, तो उसमें कुमाऊं का कल्चर हिस्ट्री राइट इस तरीके क्वेश्चंस फ्रेम किए वो किए। एक दूसरा हमने ये किया कि हमने जो मीमेंटोज हैं, जो कोई गेस्ट आता मीमेंटोज बाजार से खरीदते हम देते हैं, वो हमने बंद कर दिए। बच्चों में टैलेंट बहुत है, तो बच्चों से हमने कहा कि आप बनाइए कोई यूनिक चीज़ बनाओ एंड उसको हम आपसे खरीद लेंगे और हम अपने गेस्ट को देंगे, सो दैट स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट रहे कि उसको पता चले कि उसके लिए हम यूनिवर्सिटी क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। देन ओल्ड टेक्स्ट, जो हिंदी का बहुत अच्छा टेक्स्ट हो या इंग्लिश का कोई टेक्स्ट हो, उसको कुमाऊनी में ट्रांसलेट करो, आप सीखिए थोड़ा सा। तो उस प्रोग्राम में हमने जो किया था, एक विद्यासागर नौटियाल थे जी, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, 1950s में उन्होंने 52 या 53 में एक भैंस का कटिया करके एक स्टोरी लिखी थी, दैट वॉज द फर्स्ट राइटिंग अबाउट दी कुमाऊन गढ़वाल पीपल्स लाइफ, तो उसको हमने अभी कुमाऊन में ट्रांसलेट किया। तो बच्चों के जो इस तरीके जो प्रोग्राम्स हैं, थिंकिंग टू ब्रिंग दम अप टू दैट लेवल कि जहाँ पर वो इनोवेटिव वेज से चीज़ों को सीख सकें। एक प्रोग्राम और शुरू किया है जिसमें बच्चे जो है रिसर्च प्रपोजल जमा करें हमको, वील इवेल्युएट इट एंड हमको लगा कर रिसर्च प्रपोजल में थोड़ा भी सब्सटेंस है, वील फंड डायरेक्टली टू दी मास्टर स्टूडेंट्स कि आप जो है ये रिसर्च को यूनिवर्सिटी में करें। एंड उसमें अभी एक बच्चे का मैं आपको बताता हूँ, 10 या 11 प्रपोजल आए क्योंकि इसी साल शुरू किया, बच्चों को मोटिवेट करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके और बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो उसमें से हमने 3 प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया, 3 में से 1 प्रोजेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि जितने भी हमारे हेरिटेज साइट हैं उनकी 3D इमेजिंग के थ्रू उनको प्रिजर्व करना, एंड वो अभी तक यहाँ हुआ नहीं। सो वी विल बी फंडिंग 1 प्रोजेक्ट टू आवर मास्टर स्टूडेंट ऑल्सो। सो ये जो प्रोग्राम इस तरीके से चलाए हमने, वो प्रोग्राम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एज ए कैप्सूल इतने सब चीज़ का मिश्रण कहीं पर भी नहीं। आपने कुमाऊनी भाषा की बात करी और मुझे तभी याद आया कि करीब 6-8 महीने पहले मैं एक और किसी VC के साथ बैठा था यूनिवर्सिटी के, तो उनका ये कहना था कि जो लोकल लैंग्वेज है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी को लेके उनके यहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो किसी भाषा में 2 है, किसी में 1, किसी में 3 बच्चे, जबकि जो बाहर की भाषाएं हैं वो जर्मन सीखने को लेके या बाकी को लेके, आपको क्या लगता है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई आज नथ लगा रहा है, पिछवाड़ा पहन रहा है, कल्चर के तौर पे भी हम देखें, चाहे इन्वेस्टर समिट हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे उत्तराखंड की झांकी बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही है, अपॉइंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाषा को लेके कि 2 बच्चा 1 बच्चा पढ़ने आ रहा है और बाहर की उनके लिए लाइन लग जा रही है, तो इसको कैसे आप एड्रेस करना चाहेंगे? ये एक बड़ी समस्या जी। इसका जो मेन रीज़न है वो इम्प्लॉयबिलिटी के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया इसको, जबकि भाषा का इम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। हमारा अनफॉर्चुनेट क्या रहा, इसीलिए एक्चुअली मैं कुमाऊनी एंड गढ़वाली जो है UN की लिस्ट में मोस्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के कैटेगरी में हम लोग आ चुके हैं। दूसरा, मैं अभी बच्चों को एड्रेस कर रहा था, उनसे भी मैं एक चीज़ बोल रहा था, एक्चुअली मैं ये आपको भी शायद इस चीज़ का ज्ञान होगा, हम ही एक ऐसी रेस है कुमाऊन गढ़वाल, जब हम 2 पहाड़ी लोग मिलते हैं हम हिंदी में बात करते हैं मुझे और कहीं नहीं मिला, अगर 2 पंजाबी मिलेंगे वो पंजाबी में बात करते हैं, 2 साउथ इंडियन बंगाली कहीं का भी राजस्थानी इवन, ये हमारे शायद एक सिस्टम में गड़बड़ रही नहीं क्या, बट मेरे ख्याल में इसको एम्प्लॉयमेंट वो करने से अच्छा इसको हम एक कैरिकुलम बनाएं एंड गुड टेक्स्ट को ट्रांसलेशन की तरफ लें। बहुत बड़ा पोर्शन अगर नहीं भी आता है, एक सेलेक्ट पोर्शन भी आता है एंड उसमें हम कैश प्राइजेस रखें,
मोटिवेट करें एंड उसको पब्लिश करें एंड उसको ड्यू क्रेडिट दें हमारे अपॉइंटमेंट्स में या इसमें जो है, तो उससे मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम अगर करेंगे तो इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे. बट एज अ सब्जेक्ट इट विल हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज जब भी हम आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तब इम्प्लॉयबिलिटी की बात करेंगे. जैसे हमने इम्प्लॉयबिलिटी की बात की तो उससे उन बच्चों को लगेगा हमको तो कुछ मिल नहीं रहा. सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. तो इसको प्रमोट करने के लिए एक दूसरा तरीका, यस, जो मेरे को सबसे अच्छा ये सोशल मीडिया का लगता है इन हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एक समय ऐसा आ गया था ये सब हमारी जितनी भी चीज़ें थी वो खत्म हो गई. घाघरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया मेरे गाँव में. बिल्कुल मेरे घर अब मुझे वो नीले कलर का जो घाघरा था मुझे एक्चुअली वो थे ना अकल और उम्र की भेंट नहीं होती राइट. तो कभी सोचा नहीं उस तरफ, ध्यान नहीं गया. बट इट्स अ बिग लॉस, इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं हो सकता, वो खत्म हो चुका है. अब आप अपने आने जनरेशन को ये भी नहीं दिखा सकते कि ऐसा भी कुछ था. बट सोशल मीडिया का एक्चुअली में एक जो सबसे अच्छा मेरे को पॉजिटिव आउटकम लगा वो ये लगा कि कम से कम सोशल मीडिया ने हमारे अपने कल्चर को रिवाइव तो कर ही दिया. एंड वी नीड टू जस्ट कीप ऑन होल्ड ऑन दिस एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एक्चुअली ऑन दिस, बिकॉज मैं जब दिल्ली में था मैं जैसा कहा मैं यहाँ के उसको बहुत फॉलो करता, मैं आपको वहाँ से फॉलो करता हूँ. तो द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आप कुमाऊनी को लेकर करते हैं, कल्चर को लेकर करते हैं, बहुत कमेंडेबल हो एंड इस तरीके उससे मुझे लगता है कि हम लोग सेफ रहेंगे. थैंक यू. जिस वक्त पे हमें बातचीत कर रहे हैं मैं बता रहा था सबको कि हम लोग नैनीताल में हैं और ये शहर बड़ा कमाल का है. हिस्टोरिक तरीके से तो है ही, लेकिन देखें दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, कोई हनीमून मनाने आता है, झील के लिए लोग आते हैं. तो ये दो चीज़ों को लेके आता है, एक टूरिज्म एंड दूसरा हॉस्पिटैलिटी. ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यूनिवर्सिटी में क्या स्टेटस है इन चीज़ों को लेके, पढ़ाई को लेके, माहौल को लेके? दो चीज़ें बताता हूँ. मैंने कहा आपको पता है 50 साल कम्प्लीट किया हमने इस साल जी इस यूनिवर्सिटी ने. यहाँ का फुटबॉल आपको पता है कि वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मेरी शहर में मेरी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं लिखा. बहुत छोटी चीज़ है, नाम नहीं है, क्या मेरी मतलब है? जैसे आप दिल्ली में जाएंगे जी, दिल्ली में जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन लगा हुआ. किसी भी आप वर्ल्ड में कहीं जाए. बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. हमने इसको ये तक नहीं सोच पाया कि हल्द्वानी से ऊपर को मैं आ रहा हूँ, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी कहीं तो लिख दो. कुछ नहीं करेगा वो, ये फीलिंग तो लेके जाए इस शहर में एक यूनिवर्सिटी है भाई. बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं लिखो. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट ऑल्सो. ये बहुत छोटा, अगर आप इसको दूसरे ढंग से परसीव करें इसमें बड़ी बात क्या है, बट ये इतनी छोटे काम को भी हम नहीं कर पाए. नहीं, ये बहुत बड़ी आपने जैसे ही बोला ना मुझे डी यू तो याद आया. मुझे दिल्ली में क्योंकि मैं पढ़ता था वो एक जगह लिखा रहता था इंद्रप्रस्थ आईपी यूनिवर्सिटी. यस, अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो डी यू जानता था. लेकिन सिर्फ उस साइन बोर्ड की वजह से मुझे पता चला कि इंद्रप्रस्थ नाम की कोई यूनिवर्सिटी है. आपको पता चलेगा राइट, या जामिया मिलिया इस्लामिया. यस. देन दूसरा एक्चुअली मैं शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आया था, एक अनूप लाल साजी है जी जिन्होंने वो ओम पर्वत की फोटो ली थी, ओरिजिनल फोटोग्राफर जी. तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो बातों बातों में जब हमारी बात हुई, तो जब मैं यहाँ पर पढ़ता था तो लेक में फीस बहुत कम होती थी. तो शायद उसमें फीस मारना अलाउड होता होगा तो आपको दिखती नहीं थी, अब आपको फीस बहुत दिखती है. तो आई टोल्ड हिम कि इसमें फीस बहुत है. तो उन्होंने कहा कि जो हमारी नेटिव फीस है वो तो एक्सटेंट हो चुकी है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. एंड आई फेल्ट बैड अबाउट इट एज अ साइंस स्टूडेंट. ये इकोलॉजिकल डिसबैलेंस में आता है एंड इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो हमने कभी सोचा नहीं किया इसके बारे में. लोगों ने बहुत काम किए और एस्पेक्ट्स में बहुत. आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमको इस लेवल में सोचना पड़ेगा राइट. तो जब मैं उसके बारे में सोचा तो आई थॉट कि एक टेक्निक है जो सो कॉल्ड नई टेक्निक है बट वेस्टर्न कंट्रीज में 1980s और 1919 में शुरू हुई बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजी. तो बायोफ्लॉक में क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग है वो रनिंग वाटर में होता है. दो प्रॉब्लम्स हैं उसकी. एक, जो फिश एक्सक्रीशन करता है उसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है. दूसरा, जो फूड मटेरियल है वो फिश बहुत कम लेती है, बाकी वेस्ट होता है, डिकम्पोज होता है, अमोनिया बनती है, टॉक्सिक है. तो ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर में नहीं, ये सर्कुलेटिंग वाटर में होता है. इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे डाले जाते हैं जो आपका फिश का एक्सक्रीटेड मटेरियल है एंड जो फूड मटेरियल जो डिकम्पोज हुआ है उसको फूड में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया.
तो रिसाइकलिंग होता है, तो उसकी प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सो आई थॉट व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस इन डीएसपी कैंपस। सो आई टॉक पीपल हियर एंड ये चीज़ मैं इसलिए कर सोच पाया क्योंकि मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज है उसका मैं जब चेयरमैन था तो वहाँ एक जब इंटरव्यू चल रहा था मैंने एक कैंडिडेट से पूछा तुम वो चीज़ बताओ जो कोई नहीं कर सकता तुम कर सकते। ही टॉक मी अबाउट दिस, तो वो हमने वहाँ एस्टेब्लिश कराया। यू वॉन्ट बिलीव विद इन वीक्स टाइम आई अप्रूव 16 लाख रुपीज़ टू डेवलप अ बायोफ्लॉक फिक्स टेक्नोलॉजी सेंटर एट डीएसपी कैंपस विद अ एम थ्रीफोल्ड। नंबर वन, वी वुड लाइक टू रिवाइव द स्नो ट्रॉट जो यहाँ की नेटिव फिश थी, उसको रिवाइव करना चाहें। अगर हम ये कर सकते हैं हम इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आई वॉन्ट टू टीच दिस टेक्नोलॉजी टू माई स्टूडेंट्स। आप आइए इसको सीखिए, ये आपके स्किल को इन्हेंस करेगा। नंबर थ्री, अगर ये दो प्रोजेक्ट हमारे सक्सेसफुल होते हैं आई इवन वॉन्ट टू ओपन इट अप फॉर द पीपल ऑफ दिस सिटी हु वॉन्ट्स टू लर्न दिस एंड इसको अपने प्रोफेशन में यूज करना चाहते हैं फिश फार्मिंग के लिए। बिल्कुल राइट। तो इस तरीके एंगल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम इस बार से तो नेक्स्ट बार से काफ़ी स्किल कोर्सेज जो एकदम जॉब ओरिएंटेड होगा उसमें मैंने साफ बोला है फैकल्टी। एक्चुअली में हमारे सिस्टम का एक मेजर फ्लॉ है एक्चुअली में, जब हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं जैसे NEP आया या उससे पहले भी जब सिलेबस चेंज हुआ, बैकग्राउंड ऑफ द माइंड व्हेन वी डू दैट एज अ टीचर, मेरा अपना सब्जेक्ट पहले आता है जिस सब्जेक्ट को मैं 30 साल पढ़ा रहा हूँ राइट। आज के 30 साल पहले हो सकता है उस सब्जेक्ट की वो वैल्यू रही हो सकता है आज की वैल्यू मेरी नौकरी तो है उसमें तो मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, तो जब मैं उसको नया सिलेबस डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा वो जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो चेंजेस उस तरीके से नहीं हो पाते। जो NEP में अभी स्किल कोर्सेज की बात की है तो व्हाट आई रिक्वेस्टेड टू माय फैकल्टी, वी विल नॉट गो स्किल कोर्सेज विद फैकल्टी वाइज। अदरवाइज क्या होता है हम लोग टीचिंग लोड को पहले ले आते हैं ठीक है नहीं, बनाना कहाँ से, बनना तो यहाँ से ना, यूनिवर्सिटी से बनना, ऊपर से तो पॉलिसी बन गई। जब यहाँ से बनता है, यहाँ से बनते वक्त पहला क्राइटेरिया किसी भी इंस्टीट्यूशंस में ये आ जाता है कि अगर लेट अस सपोज यहाँ पर इतनी पोस्ट हैं और टीचिंग लोड इतना कम कर दिया तो पोस्ट तो खत्म हो जाएंगी, तो इसको बैलेंस कर। सो आई रिक्वेस्टेड देम वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, हमारा मतलब स्किल का स्किल से ही होगा। अगर हिस्ट्री का कोई बच्चा स्किल कोर्स करना चाहता है साइंस के पेपर से, वी अलाउ देम, हमको ट्रेनिंग देने से मतलब है। हम कोशिश कर रहे हैं अभी आर्ट इंडस्ट्री के साथ हमने टाइप किया है, हम 5 PhD fellowship वहाँ से लाए हैं, इंडस्ट्री से लाए हैं जी। 13 बच्चों की फी वेवर हमको इंडस्ट्री ने की है, 20 हमारे इंडियन टॉप एकेडमिशियन है जिसमें 6 पद्म अवार्डी है वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उसमें फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IIC बेंगलोर प्रोफेसर पी बलराम भी है एंड जो अभी हमारे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है उसके जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर है। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपोज अवर स्टूडेंट अवर फैकल्टी मेंबर्स टू ऑल पॉसिबल दीज बिग पीपल, वो यहाँ आए यहाँ के बारे में देखें, वो ये गाइड करें कि और क्या किया जा सकता है, या फिर हमारे फैकल्टीज को हेल्प करें वो अपनी रिसर्च को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं क्योंकि कल को वही लोग इन कमिटीज़ में बैठते हैं। तो एक बार आपकी यूनिवर्सिटी के कल्चर को समझेंगे तो वो लोग उस तरीके से आपको इनडायरेक्ट रूप में हेल्प होती है। सो वी आर डूइंग ऑल दैट। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, और ये शहर तो यहाँ से निर्मल पांडे जैसे एक्टर निकले हैं, गोपाल दत्त जी अभी इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, थिएटर एक जमाने में यहाँ पे बड़ा कमाल का होता था नैनीताल के अंदर। इनफैक्ट सॉरी टू कट इट, सिर्फ 2 दिन पहले मेरे पास कोई एक मिस्टर तिवारी आए थे हल्द्वानी से, ही हैज अ स्मॉल बुक ऑन थिएटर ऑफ नैनीताल। अच्छा राइट। अब जैसे मैंने कहा मैं साइंस का था तो मुझे उसमें पता नहीं, हो सकता उसमें खत्म भी हो गया था, ही सेड कि late 1990s में ऑलमोस्ट खत्म हुआ। ही शोड मी 1952 का हमारा कॉलेज, 51 का कॉलेज है, तब से थिएटर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ DSP कैंपस। उन्होंने ही मुझे बताया ललित जो तिवारी हैं जो संजय का रोल जो किए थे वो 1976 या 78 के यहाँ के पास आउट। एक हमारे आज रंजीत मेहता करके हैं, वो उसके CEO बने हैं अभी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा राइट। अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, आई टॉक टू देम एक्चुअली, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कहा आप मुझे बताइए रीजन क्या रहा।
रीजन कैन बी टू. वन, इंस्टीट्यूशन का इग्नोरेंस, ये हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव. दूसरा, छात्रों का रुझान खत्म हो गया. ये दो हो सकते हैं. मन का अगर इंस्टीट्यूशन की वजह से हुआ है, दैट आई एम देयर टू सपोर्ट एंड रिवाइव इट. अगर स्टूडेंट्स की तरफ से हो रहा है तो स्टूडेंट्स को हम कैसे मोटिवेट करें. जैसे मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है कुछ हमको हेल्प करें कि यहाँ पर कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आई विल बी रेडी टू डू दैट. बिल्कुल. बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनको हम, ये हमारा अपना है, राइट. अनफॉर्चुनेट हमने नहीं ख़त्म कर दिया उसको, तो क्या हम मिल करके इसको उठा करके एक ऐसा पेड़ बना दें कि जो हिले ही नहीं, और जो बच्चे बच्चों को जिससे लगे कि हाँ ये जगह है जहाँ हमको जाना है. मैं क्लास ले रहा हूँ, वाइस चांसलर क्लास नहीं ले पाते. लास्ट वन ईयर में मैंने एक भी सिंगल डे क्लास नहीं छोड़ी. हाँ, ये बात अलग है, मेरी अगर ट्यूसडे की क्लास है उसका मैं फ्राइडे को ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेटिव इंगेजमेंट ऑल दैट. कल ही मेरा टाइम टेबल आया, केमिस्ट्री हेड ने मेरा टाइम टेबल भेजा. मैंने अपने पीए को बोल दिया कि मंडे 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक किसी को टाइम नहीं देना बिकॉज आई हैव अ क्लास ऑन दैट. इसलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग दैट. ये इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज टू माई कलीग्स हाउ सीरियस आई. मैं क्लासरूम को सरप्राइज विजिट करता हूँ. जब मैं क्लास में जाता हूँ मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ बाहर चले, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ. मैं जब क्लासरूम छोड़ता हूँ मैं बच्चों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे के आता हूँ. सो बोलता हूँ कि अगर आपको कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत है, मुझे व्हाट्सअप करिए. सो ये सब करने का मकसद ये है कि एक पॉजिटिव वाइब सिस्टम में इन्फ्यूज हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके एक्ट पर डिपेंड करती हैं. इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है उस पर डिपेंड करता है, उसी के चारों तरफ सिस्टम घूमने लगता है. और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इन सिस्टम्स का, ये इंडिविजुअल सेंट्रिक है. एक आदमी इस तरह से काम कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरे ढंग, जिस तरीके से आदमी टॉप आदमी काम करता है वो सिस्टम उस तरह से ड्रिवन हो जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद इसको कोई विश्वास नहीं करे और मैं झूठ बोलता नहीं. पिछले एक साल आई नेवर थॉट कि इस तरीके का वर्क कल्चर मुझे कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल में मिलेगा एंड गवर्नमेंट का इस लेवल का सपोर्ट होगा. आई एम सेइंग दिस, इन वन ईयर देर इज नो फोन कॉल फ्रॉम एनी क्वार्टर व्हेन आई फेल्ट अनकंफर्टेबल. एंड शायद इससे अच्छा किसी भी सिस्टम में, जहाँ भी जाता हूँ सभी डायरेक्टर्स या वाइस चांसलर बैठे हो तो कहते यार हमारे साथ तो ऐसा नहीं, उनका बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ. एज अ रिजल्ट हम पिछले एक साल में 53 न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाए सिस्टम. तो वो जो नंबर जाता है वो लेस देन 7 डेज में एक न्यू पॉलिसी लेके आए. एंड ऑल दोज पॉलिसी, अब एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा एक अंतर होता है एजुकेशन सिस्टम में, उसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ओके, ये स्लो ग्रोथ होती है इसमें. लेकिन एक बार ग्रोथ ठीक हो गई, सीडलिंग ठीक हो गई, 5-7 साल बाद आपको उसका असर जरूर देखने को मिलेगा. एंड हमारा जो बजट है यूनिवर्सिटी का 67% बढ़ा दिया गवर्नमेंट. और ये भी आपको कहीं दिखता नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है बजट प्लान बजट को नहीं बढ़ाता. जितनी भी स्कीम्स हमने शुरू की, अगर हमारा बजट नहीं भी बढ़ा तब भी हम सेल्फ सस्टेन्ड बन गए. हमने लगभग 4 करोड़ रुपया क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग में बचा लिया, लगभग 36 लाख रुपया पर सेमेस्टर हमने आंसर शीट प्रिंटिंग में बचाया है. देन डिग्री प्रिंटिंग, मार्कशीट प्रिंटिंग, देन ओएमआर शीट प्रिंटिंग, दीज आर ऑन रिकॉर्ड नाउ. कल ही हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें रिपोर्ट किया. देन आई सेड कि लगभग जो 5 करोड़ बचेगा हमारा, ये 5 करोड़ रुपया हम गवर्नमेंट से नहीं ले रहे. ये तो पहले एक्सपेंडिचर में था ही मेरा जी. ये हमने बच गया, इसका उपयोग हम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही करेंगे. और उसको ईयर मार्क कर दिया. सो अगर कल को कहीं दूसरी जगह से पैसा आपके पास नहीं भी आता है, इतना पैसा आपने इस मद से जो बचा रखा है, आप यूनिवर्सिटी की ग्रोथ को स्लो मत करिए, आप उसको यूज करिए. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि पिछले एक साल में कोई ऐसा फ़ोन कॉल नहीं आया कि जहाँ अनकम्फर्टेबल होना पड़े. लेकिन मैं हमेशा से सुनता आया था कि हल्द्वानी और नैनीताल, स्पेशली कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए बड़ी जानी जाती थी. आजकल क्या है स्टेटस? यस, एक्चुअली इनफैक्ट आई विल टेल यू वन स्टोरी. जी, जब हम यहाँ पढ़ते थे, जब 12वीं पास किया सैनिक स्कूल से हमने जी,
तो हमारे बैच के एक इंदर जलाल हुआ करते थे सैनिक स्कूल से, ही बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी, जो सबसे नीचे वाले होते हैं उस समय। एंड 30 साल के बाद जब मैं यहाँ आया तो जितने भी स्टूडेंट लीडर्स आते थे कहते सर मैं भी सैनिक स्कूल से हूँ। अच्छा। तो मैंने उनसे मजाक कर रहा था, मैंने कहा ये बीज तो सन 88-89 में हम ही लोगों ने बोया था, तो तुम लोग अभी भी चला रहे हो उसको। आई थिंक व्हाट आई रियलाइज, मैं जैसे मैंने बोला मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी था, मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रहा, मैं 6 साल वहाँ डूसू इलेक्शन कराया। नेतागिरी जो होती है वो ज़्यादा तब प्रॉब्लम होती है जब आपके एक्शन ठीक नहीं, सिस्टम में खामियाँ। अगर मैं आपको टाइम पर डिग्री नहीं दे पा रहा, आपका एग्ज़ाम टाइम करा तो मैं बाद में आऊँगा, आपके रिजल्ट टाइम पर नहीं निकाल रहा, आपके जो क्वेरीज हैं उनको मैं रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो नेतागिरी अपने आप आएगी, आपको तंग करेगी। मैं जब शुरू में यहाँ पर आया था 2 या 3 बार बच्चे आए थे मेरे पास, जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं ग्रुप में, आई टोल्ड देम कि मैं अभी आया हूँ, जो एक्शंस होंगे उसमें टाइम लगेगा, बट आई विल प्रो स्टूडेंट्स, मेरी जो पॉलिसीज होंगी वो ये होंगी स्टूडेंट्स का हित हो, उससे अहित करने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। देन मैं जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं उन सबको मैं अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ, कॉल मत करो व्हाट्सअप कर दो। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट टीचिंग नॉन टीचिंग कैन से द पर्सन हैज़ ड्रॉप्ड ईमेल व्हाट्सअप SMS टू मी आई एम नॉट रिस्पोंडेड, कोई नहीं हो। यहाँ तो कम आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो मेरे पास अभी भी आते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो मैं मार्केट अकेले जाता जी, सुबह टाइम मिल गया, सुबह शाम टाइम, कोई गार्ड नहीं होता मेरे साथ, यहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं आता, बच्चों को पता चल गया कि इंटीग्रिटी ईमानदारी क्या होती है, मेरा अपना पर्सनल व्हीकल का अगर ऑफिस व्हीकल का पर्सनल यूज होता है, इन राइटिंग में चेक काट के देता हूँ, कोई भी फैसिलिटी जो यहाँ थी पहले सब सेट डाउन कर दी। दिल्ली जाता हूँ मैं ट्रेन से जाता हूँ, कैंपस जाता हूँ मैं अकेला ही जाता हूँ, 10 बच्चे 20 बच्चे उनके बीच में जाके उनसे बात करता हूँ। तो जब मैं आपके बीच में हूँ तो आप मेरे को घेरने के लिए खाओगे, जब आते मैं मजाक करता हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, मतलब तुमको मैं सुबह 7 बजे तुम 6:30 बजे आओगे माल रोड में, वहाँ जितनी बात करनी कर लेना मेरे से। आई थिंक दैट हेल्प मी इन लार्जर एक्सटेंट। द बिगेस्ट इश्यू इज जो मुझे यहाँ लगता है वो ये, 30 साल पहले जब मेरा MSc का रिजल्ट आया था मिड सितंबर में आया था, तो आप सोच सकते हैं मिड सितंबर में रिजल्ट आने का मतलब आप बाहर एडमिशन नहीं ले सकते, वहाँ तो जुलाई में सब खत्म हो जाता। सबसे बड़ा दुख जब तब हुआ मेरे को जब लास्ट टाइम मैं यहाँ 21 जुलाई को हमने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में कराए थे, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए तो उन्होंने ये कहा कि दिखाया उन्होंने कि मेरा एडमिशन पंतनगर यूनिवर्सिटी में हो गया है, इतने तारीख तक रिजल्ट चाहिए, एग्ज़ाम उसके 30 दिन के बाद होना था, 20 दिन के बाद होना था। आई टॉक टू माई डीन एंड ऑल दैट, सेड इससे बड़ा क्राइम कोई इंस्टीट्यूशन दूसरा नहीं कर सकता, दैट्स द बिगेस्ट क्राइम। 30 साल में हम ये तरक्की कर पाए कि जब मैं रिजल्ट सितंबर में आया था हम एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में करा रहे हैं, सो वी टारगेटेड द फर्स्ट द एग्जामिनेशन सिस्टम। अब आप सोचिए सितंबर अक्टूबर में आप करा रहे हैं तो नवंबर से तो आपका 3rd सेमेस्टर शुरू हुआ जी, फिर 4th होगा, तो अगर आप 180 डेज का क्लॉज लेके चलते हैं फिर तो एग्ज़ाम आपका सितंबर में ही होना है, उससे पहले हो नहीं सकता। सो आई टॉक टू दी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, इतना प्रोएक्टिव IAS तो मैंने आज तक नहीं देखे। मैं उनसे मजाक भी करता हूँ कभी, मैंने कहा दो चीज़ें हैं सिस्टम में, एक कहते हैं सोचते हैं कि लोग IAS ढंग से किसी से बात ही नहीं करते और टीचर पढ़ाते नहीं, मैंने कहा दोनों मिथ खराब है, मैंने कहा यहाँ वॉइस आंसर पढ़ाता है और यहाँ मैंने कहा मैं कोई व्हाट्सअप मैसेज भी करता हूँ वो भी रिस्पॉन्ड बैक हो जाता है। सो गवर्नमेंट वॉज वेरी सीरियस कि किस तरीके से हम इसको स्ट्रीम लाइन करें, सो आई केम विद अ प्रपोजल कि हमको सबसे पहले सिलेबस कट करना पड़ेगा, वी कॉन्ट हैव बोथ द लड्डू इन आवर हैंड्स। सो जब ये किया फिर दूसरा मैंने कहा कि बच्चों को वेल इन एडवांस जिस दिन सेमेस्टर शुरू हुआ उस दिन एग्जामिनेशन डेट शीट पढ़ा दो उनको, बच्चों को पता होना चाहिए। तो हमने जब चेक किया कि कितने कितने दिन की टीचिंग किस किस कोर्सेज में है उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज सिलेबस कट कर दिया एंड इम्प्लीमेंटेड। बट जब एग्जाम्स मई में होने थे पहली बार मई में एग्जाम करके 30 जून को पहली बार रिजल्ट निकाल दिए,
और ये यहीं नहीं हुआ, और यूनिवर्सिटीज में भी हो गया। बट जब एग्ज़ाम शुरू होने थे तो वही जो आप करें हल्द्वानी और वहाँ का, हल्द्वानी में कुछ बच्चे जो है किरोसिन ऑयल लेकर के छत में चढ़ गए कि पोस्टपोन करें। यहाँ एक बड़ी बीमारी है एक्चुअली, क्लास नहीं हो रही, कोई नहीं आता। मैं बच्चों से मजाक कर रहा था, मैं लगभग 600-700 बच्चों को पिछले सेमेस्टर में मिला था पर्सनल क्लास रूम में जा करके, और सबसे पूछता हूँ पढ़ाई होती नहीं होती, समझ में आता नहीं आता, लोग टाइम पर क्लास पर आते कि नहीं, मेरे को कभी भी आंसर नो नहीं मिला। तो मैं लास्ट में एक क्लास में गया, मैंने कहा मैं 9 महीने हो गए मेरे को एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, कोई मेरे को ये बोलते कि मेरी क्लास नहीं होती, फला फला टीचर पढ़ाने नहीं आता। मैंने कहा तुम सिस्टम को तो गाली करते हो, सिस्टम सुधरेगा कैसे? जब तक आप ऑनेस्टली आंसर न करें तो सिस्टम नहीं सुधर सकता। तो हल्द्वानी में ये किया, तो उसके बाद वो बच्चे यहाँ भी आए, हमारे पास आए। तो मैंने कहा ठीक है 5-6 बच्चे आ जाओ, बिकॉज यहाँ एक वो कल्चर डेवलप हुआ जो वाइस चांसलर का जो अंदर वाला गेट है ना, वहाँ पूरे कॉरिडोर में बैठ जाते हैं। अच्छा। और वाइस चांसलर का जो अंदर ऑफिस है, तो रेस्ट रूम है अंदर, वहाँ से खिड़की बना रखी है जहाँ से वाइस चांसलर बाहर जा सकते हैं चुपचाप से। वाह, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने पूछा ये क्यों है, तो उन्होंने बताया साहब इसलिए पैराशूट एंट्री वर्सेस पैराशूट एग्जिट। तो ऐसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम फ्रंट पर चले गए तो मैंने कहा बंद करिए सब बंद। तो वो 2 बार मेरे पास है, तो उसके बाद तो कोई इस तरह के बच्चे नहीं है। बट हाँ, इस बार जब मेरे पास बच्चे आए कि पोस्टपोन कर दीजिए, तो आया आज कि किस कॉलेज से आप? इस कॉलेज। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने व्हाट्सअप में डालता हूँ उसको किस तारीख को कहाँ था मैं। खोला, मैंने कहा मैं इस तारीख को इतने बजे आपके कॉलेज में था, इतने तारीख को इतने बजे था, बच्चों को क्लास में जाके मिला, किसी ने निकाह क्लास नहीं हुई, आप मुझे मिले नहीं, आज यूँ आ रहे मेरे पास कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। आप तब कहते मेरे को कि सिलेबस नहीं हो रहा, तो बच्चों के समझ में आ गया, सो वी कुड कंडक्ट द एग्जाम्स। पिछले एक साल में वो भी मतलब कॉम्प्लीमेंट दूंगा मैं स्टूडेंट यूनियंस को, दे कुड आई थिंक अंडरस्टूड कि हम यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहते हैं, तो दे डिड नॉट डिस्टर्ब मी। द स्टूडेंट यूनियन, कर्मचारी यूनियन एंड टीचर्स यूनियन, ऑल दीज थ्री have not created any kind of issues or problems to me, जहाँ पर मुझे अनकम्फर्ट होना पड़े। एंड इसीलिए जितनी भी मैंने आपको स्कीम्स बताई, इसलिए उतनी स्कीम्स को हम लागू कर पाए। सो एक आखिरी सवाल आज को लेके, ये बात हो रही थी लीडरशिप को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। जनरली हम देखते हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आते हैं, उसके बाद जब वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से बाहर निकलते हैं, मैक्सिमम लोग कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं। हम इनको एक तो कंट्रीब्यूटर कैसे बनाएं, और दूसरा इनको कॉन्ट्रैक्टर भी बनना है तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनाएं, क्योंकि इनके बनाई हुई सड़कों में गड्ढे बहुत हो जा रहे हैं और पुल जो है ज़्यादा लंबे चल नहीं पा रहे हैं। यस, वेरी वैलिड पॉइंट। अब आप अनकंफर्टेबल तो नहीं हुए इस सवाल से? क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल मैं, लेट मी टेल यू वन थिंग जी, मैं किसी भी क्वेश्चन से अनकंफर्टेबल नहीं होता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि उसको आंसर कैसे करें। दैट्स ओनली थिंग, नो आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट ऑल्सो। सी, जैसे मैंने पहले कहा ना कि फाइनेंसिस की बात बताई, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है सबसे बड़ा। एक बार हमारे यहाँ वो हुआ था, क्या नाम है, ज्ञान कुंभ, तो उसमें मेरे को भी बोलने के लिए बोला था, तो मैंने भी कुछ बोला था। मैंने कहा ऐसा है कि देट शुड बी काइंड ऑफ यू नो चेक एंड बैलेंसेज इन द सिस्टम। हम लोग मैक्सिमम चीज़ों में जो ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज कितनी हुई उसके हिसाब से किसको हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, एंड रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं होता उसमें। बट थिंक अबाउट दिस, आज आपने मेरे को यूनिवर्सिटी दी चलाने के लिए, आज इस यूनिवर्सिटी के हमारे एकेडमिक पैरामीटर्स होते हैं ये है, 3 साल के बाद मैं जा रहा हूँ, मैं उसको उतना ही रखा हूँ, यहाँ ले गया हूँ या नीचे ले आया हूँ। टू मी द बिगेस्ट क्राइम इज टू टेकिंग द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टू दिस साइड। फाइनेंस का तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर एकेडमिकली किसी इंस्टीट्यूशन को किसी इंसान की वजह से नुकसान हुआ है, द पर्सन मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। ये मैंने उस समय भी बोला था, मैं वाइस चांसलर हूँ, मैं तो करूँ डेवलप कर, मैं डेवलप कर दूंगा, अब मेरे ऊपर लगा दीजिए सबसे पहले। अगर मेरे आने से मेरे यूनिवर्सिटी का एकेडमिक रेपुटेशन, एकेडमिक जो स्टैंडिंग है वो डाउनग्रेड होती है, आई डोंट डिजर्व टू बी द एकेडमिशियन इन द लीग, नंबर 1। अब जब हम इस बात पर आ रहे हैं,
पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया। अब मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, राइट, ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं। देर इज़ समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल रूल्स, क्लियर कट गाइडलाइंस। अब वो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस से मैं किसी को कॉन्ट्रैक्टर कैसे बताता हूँ, मेरे आता समझ में नहीं आता है, राइट। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बिटवीन द लाइन प्ले कर रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। सो हमने यहाँ पर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में जेम परचेज नहीं हो रही थी, यहाँ जेम परचेज लगा दी। जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अच्छा बुरा मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है पोर्टल है, उसमें जो रजिस्टर्ड है, जिस तरीके से वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है, उसको ऑर्डर गया। पिछले एक साल में कोई भी ऑर्डर किसी भी लीडर को नहीं गया, पर से किसी को नहीं गया। बुक्स प्रिंटिंग के लिए अभी इंपैनलमेंट के लिए ओपन कॉल है, उसको ओपन कर रखा, जो उस कॉल के अनुसार आएगा उसी को मिलेगा। एक बड़ा पार्ट जो है हमारे सिस्टम में, अभी हमको, सर ये बताना मैं भूल गया, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ की ग्रांट मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें यह था कि हर स्टेट से एक स्टेट यूनिवर्सिटी को एलिवेट करेंगे, उसको मेरू का स्टेटस देंगे। मेरू का स्टेटस का मतलब उसको एट पार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले जाएंगे। व्हेन द प्रपोजल वर आस्क्ड, उस समय हर स्टेट से प्रपोजल जाने थे और हमारे सेक्रेटरी साहब को जमा करना था, उनको प्रेजेंट भी करना था। हमारे यहाँ सेटबैक हुआ। वो सेटबैक क्या हुआ कि हमारा जो नैक था वो 2016 से 2021 के बीच का ड्यू था। 2022 में यहाँ से SSR जमा हुई। जब उस समय पूछा गया कि आप नैक कब कराना चाहते हैं, तो मई 2nd-3rd वीक की डेट दी गई 2023। एंड जिन्होंने इसको दिया उनका टर्म उससे पहले ख़त्म हो जा रहा था। एंड दीज थिंग्स हर्ट्स मी, नथिंग पर्सनल, नथिंग। नैक हो गई, नैक ने रिविजिट डाल दिया, यूनिवर्सिटी ने रिविजिट एक्सेप्ट किया नोइंगली कि मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था। उसने रिविजिट की डेट भी एक्सेप्ट कर ली, September 1st वीक। मैं आया 21 को, तो 43 दिन के अंदर नैक करानी पड़ी। नैक हुआ, आई विल नॉट गो टू अबाउट दैट निटिगिटी ऑल्सो, बट जैसा मैंने कहा, कोई भी सिस्टम है, हमने सिस्टम को इतने पोरस बना दिए। नैक में कुछ क्राइटीरियाज हैं जी, रिसर्च इनोवेशन, आपके पेटेंट कितने हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पेटेंट फाइल नहीं किया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पेटेंट ऐसा होना चाहिए, कैन द सिस्टम सस्टेन। नैक हैज़ दीज काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स, दे सेंट दोज काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स हियर हु हैज़ नो आइडिया अबाउट एकेडमिक सुपर। नैक ने उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया? नैक डिडंट टुक एनी एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। मैं इतनी कमेटीज में जाता हूँ, हमारे यहाँ, मैं नहीं कर रहा हूँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कॉमर्शियल प्लांट है जिसमें वेस्ट प्लास्टिक से ग्राफीन बनाया जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास रिसर्च में हमको 2 नंबर दे दिए। देन आई फाइल एन अपील, उसी समय ये मेरू का चल रहा था, तो हमने मेरू अप्लाई किया, तो क्योंकि हमारा अपील में था, दैट वाज कंसीडर। टोटल 26 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम होल कंट्री, फ्रॉम 14 स्टेट्स गॉट 100 करोड़ ग्रांट। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी वन ऑफ देम। तो उससे हम 6-7 नए सेंटर डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है जी, और उसमें बहुत खुश हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो कार्यदायी संस्था गवर्नमेंट ने दी हुई है, हमारा काम सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो फाइनेंशियल डीलिंग हमारी नहीं है। प्रिंटिंग का जो मैंने अभी बताया, ये ओपन नेशनल कॉल था, यहाँ के कोई नहीं आए, वो सब बाहर के हैं, राइट। पता चला हमने एक ही कॉल किया था, डिग्री प्रिंटिंग एंड मार्कशीट प्रिंटिंग। डिग्री का L1 इनको चला गया, मार्कशीट का उनको चला गया। मैं, अब मुझे तो सस्ता पड़ गया, मुझे कम से कम 85 रुपया पर मार्कशीट सस्ती हो गई। मुझे वो देखना, क्वालिटी देखनी, ये देखनी। सो वो वाला पोर्शन, यस आई थिंक वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट इट। एंड ये स्टूडेंट को सोचता हूँ, ये यहाँ पर एक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरे को लोग शुरू में आ रहे थे तो मिलने आए थे, तो जी मैं प्रेसिडेंट था इस सन में, मैं इतने साल में यह हारा था, राइट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक यूनियन होती है, वो एक साल का काम होता है, जब एक साल ख़त्म हो गया उसके बाद वो
टॉर्मेंट स्टेज में जाते हैं, ठीक है, उनके उस बीच में अपने कनेक्शन बनते हैं, उसके हिसाब से किसी को मिले बात करें वो बात अलग है, बट वो यहाँ पर वो कल्चर है, दैट आई एग्री विद, बट उनका इंटरफेरेंस एज पर से जैसा पहले सुनने को मिलता था वो नहीं है उस तरीके का. जैसे हमने लास्ट ईयर कॉन्वोकेशन किया तो आई सेड कि आप टीआरसी को दीजिए, तो पूरा काम हमने टीआरसी को पकड़ा दिया, टीआरसी ने किया, इट वाज डन, नोबडी सेड एनीथिंग. हाँ, अंदर से हो सकता है वो हार्ट फीलिंग हो कि हमारा क्या होगा, हमको काम नहीं मिला, बट हर किसी को ये सोचना पड़ेगा वाइस चांसलर का जॉब ये नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट देना लगे. एक सिस्टम है, फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, सिस्टम में गलत है गलती वो बताओ, इस सिस्टम में ये गलती है बताइए, इसमें क्या गलती, उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन सिस्टम सिस्टम की तरह काम करेगा. सो एक साल की जर्नी को आप कैसे सम अप करना चाहेंगे और आगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज में हैं, जो आपको लगता है कि ये आने वाले साल में करना है? लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्चुअली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट. जब मैं यहाँ पर आया था उससे पहले एक्चुअली हमने एक मॉलिक्यूल डेवलप किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसका पोटेंशियल है पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट, एंड उसकी आज तक कोई दवा नहीं है, एंड ये वर्ल्ड का पहला मॉलिक्यूल है जिस मैकेनिज्म को हमने प्रूव किया कि ऐसे काम करता है, एंड उसको हमने एनिमल मॉडल में प्रूव कर दिया कि ये क्योर करता है, एंड लास्ट ईयर अक्टूबर से इसकी ह्यूमन डोजिंग शुरू हो गई, एंड इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू आज के दिन $400 मिलियन की है. तो ये डेटा इस साल लास्ट तक या नेक्स्ट ईयर अर्ली तक आएगा, अगर ये डेटा ठीक ठाक आता है ह्यूमंस में, फिर पार्किंसन डिजीज पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा उससे. फिर परसेंटेज ऑफ क्योर कितना है वो देखेंगे, अगर वो सब ठीक ठाक आता है दैट विल बी द ड्रग. एंड इस जो रिसर्च को था हमने नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया लास्ट ईयर, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 साल की, उसमें पहला पेपर है उस टाइप का. जब मैं इधर को आ रहा था, क्योंकि उसका काम चल रहा है, इसके डेवलपमेंटल वर्क होता है, सो दे आस्क मी हाउ मच मनी आई नीड टू जनरेट सेकेंड जनरेशन ड्रग्स. तो रात को मैं बैठा काम वाम किया तो भेज दिया 86 लाख का हमारा प्रपोजल, 24 आवर सेंक्शन हो गया. और मैं इधर आ रहा था 3-4 दिन के बाद, तो आई मेट माई वाइस चांसलर, आई सेड कि ये ग्रांट आई है, एंड उनका एक रूल है कि अगर आप छुट्टी में चले गए तो आपको PhD स्टूडेंट नहीं मिल सकता. एंड मैं डीन एग्जामिनेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, जब मैं डीन एग्जामिनेशन था मेरा जो वर्क प्रेशर एज डीन एग्जामिनेशन था, और यहाँ जो है 1/3, यहाँ मुझे काम ही नहीं मिल पा जाता, वहाँ उतना काम था. तो आई टोल्ड माई वाइस चांसलर कि मैं फुल टाइम डीन एग्जामिनेशन देख रहा हूँ, और इसके साथ साथ मेरा साइंस इतना अच्छा है तो आप मुझे अलाउ करें PhD स्टूडेंट से. अगर मेरे पास PhD स्टूडेंट होंगे मेरे कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ आज तो ऑनलाइन का जमाना है, मैं बच्चों को गाइड करूँगा करेंगे, और कल को अच्छे पेपर पब्लिश होंगे, पेपर पब्लिश होंगे इंस्टीट्यूशन के नाम पर जाएगा. दे सेड यस, बट फाइनली दे डिनाइड कि आप PhD स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन 86 लाख की ग्रांट को अलाउ कर दिया करने के. कहने का मतलब ये है जो नुकसान है वो हो गया, कि मेरा जो अपना एक एक्टिव लैब, अगर मैं 3 साल के बाद वापस जाता हूँ वो बिल्कुल मेरे को खाली मिलने वाली है, और मॉलिक्यूल उस स्टेज में है. तो ये पर्सनल लॉस इतना है. दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला मेरी जो सैलरी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ड्रॉ कर रहा था और जो यहाँ ड्रॉ किया, 30,000 माइनस हो गई, राइट. तो मेरी बेटी मजाक करती थी कि आप वाइस चांसलर बन गए और आपकी तो तनख्वाह कम होगी. एनी वे दैट्स सेपरेट थिंग. ये सब कुछ मुझे पहले से पता था कि ये कंप्रोमाइज़ मेरे को करना पड़ेगा. यहाँ पर मैं आया एक है ना, जैसा आपका है कि कुछ करें हम इसके लिए, स्टेट के लिए. ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैंने यहीं से पढ़ा, जो मैं हूँ आज इन्हीं की वजह से, और ईश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ चीज़ों, एंड मैं ये कोशिश कर सकता हूँ इस यूनिवर्सिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर हम खड़ा करें. तो इस सपने के साथ मैं यहाँ पर आया. एक साल का जो समप है, इट्स अनबिलीवेबल. कभी नहीं सोचा था कि इतने फ्री हैंड, इतने सपोर्ट के साथ आप पॉलिसी को ला सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कोई भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं जो मैंने सोची हो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाकर टर्न डाउन हो गई हो, नन. सो इन दैट टोकन आई एम वेरी हैप्पी व्हाट वी कुड डू इन 1 ईयर टाइम. जब हम एक साल बोलते हैं नैनीताल में, यहाँ प्रॉब्लम है विद राइडर है. एक्चुअली राइडर ये है, समर में 2 महीने आपका आना जाना बंद हो जाएगा, तो आपके बाहर से लोग बुलाऊं नहीं बुलाऊं ना, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है. बरसात के समय आपको पता ही है, विंटर के समय 1-1.5 महीना, तो हमको 7-8 महीने मिलते हैं इफेक्टिव.
उस टाइम पर जितना हम लोगों ने काम किया, स्टूडेंट सेंट्रिक जो काम हुए, स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स टू डू, बट ये सब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है वो ये, एक बहुत बड़ा सपना है वो ये, हमारे पास जगह नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये है, फिर उसके बाद DSB 2 किलोमीटर दूर है, कोई भी एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जिस MSc लैब में या BSc लैब में मैंने काम किया था, वही लैब आज भी है, स्टूडेंट्स 3 से 4 गुना बढ़ गई तब से, राइट, तो एक्सपेंशन का नैनीताल में स्कोप नहीं। सो आई हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल CM एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो, इवन गवर्नर साहब ऑल्सो, कि हमको थोड़ी सी एडिशनल लैंड पटवाटांगर में दी जाए, विच इन प्रिंसिपल दे एग्रीड। तो हमारा जो सेकेंड फेज होना है वो ये है, एक क्वालिटी अपॉइंटमेंट्स, पिछले 11 साल या 12 साल से नहीं हुए। पहला चैलेंज वो है कि हमको क्वालिटी अपॉइंटमेंट नहीं, क्वालिटी अपॉइंटमेंट करने, इफ़ आई कुड डू द क्वालिटी अपॉइंटमेंट, इससे बड़ा जब मैं क्वालिटी अपॉइंटमेंट करता हूँ, फिर उसमें मेरा दिमाग में कुछ नहीं, मेरे दिमाग में क्वालिटी की एक पिक्चर है, ये क्वालिटी होती है, इस क्वालिटी में जो फिट बैठता है वो यहाँ आए और इस इंस्टीट्यूट को ग्रो करें। एक तो दूसरा, जो हमको 100 करोड़ की ग्रांट मिली है, उसके हमको सेंटर्स डेवलप करने हैं, तो उन सेंटर्स को मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेंटर्स डेवलप कर दूँ। जब वो डेवलप होते हैं, ये जो अपॉइंटमेंट होंगे, उसके बाद हमको फैकल्टी पोजिशन लानी है उसमें, तो उसमें सेकेंड फेज वो चलेगा। दूसरा, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, किस तरीके से कर पाएंगे, जो स्किल वाला है, तो इसमें मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा जी। आजकल एक्चुअली मैं अपने जो मेरे परिचित हैं, जैसे इंडस्ट्री के 8 लोग जिनको मैं यहाँ रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा देखो दोस्ती का तुमको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैंने तुमसे 5 पैसा नहीं मांगा, बट आज मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, आई वॉन्ट टू यू कंट्रीब्यूट नाउ। सो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि यू नो आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ फ्यू डोमेन्स, एक्सपर्टीज तो एक ही हो सकती है, बट 2-3 को मैं ऐड कर सकता हूँ, कि जो साइंस का मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, बट नॉट ऑल। उसमें मुझे क्या लगता है कि जो लोग उस एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करें, आप बताइए कि हमको इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या चीज़ें करनी, राइट। जैसा तो आपने सुबह बोला था कि इस तरीके से कुछ सोच सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बल्कि मैं आभारी रहूँगा आपका कि आप लोग अगर इस तरीके उसमें हमको हेल्प करें, एंड सिस्टम से उसको करने के लिए, जिससे मेरे इंडस्ट्री का, मेरे बच्चों का भला हो जाए, जो चाहिए वो करूंगा, और कोई डिले नहीं होगा उसमें। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। आज के इस पॉडकास्ट को हम एंड में एकदम पहुंच चुके हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लिखते पढ़ते गाते कुछ तो होगे, और मैं, क्योंकि आपने एक जो बात बोली ना, वो एक्चुअली मेरे दिल में रह गई, कि जब दो पहाड़ के लोग मिलते हैं वो हिंदी में बात करते हैं वाले, तो अगली बार से मैं, क्योंकि मैं तो कुमाऊनी बोल लेता हूँ, बोले लेनो, तो अगली बार में जो ले गेस्ट होला, मैं पहली पूछ लूँ कि ये बताओ नहीं पहाड़ में खोलूँ, राइट, बट ये समझ में नहीं आए कि यश क्यों हो, ऑर्गेनिकल है जा, ये भाई सुने मतलब उसी देखना जरूरत ना कते मैं अपने गाँव में जाऊँ, राइट, मैं एज में हूँ, अगर पहाड़ी में बोला, मैं हिंदी बोला, राइट। अब ये क्लब हो, ये यश तो नहीं सीखा है कि पहाड़ बनाता हूँ, इन्फेंट्री कॉम्प्लेक्स डेवलप हूँ, या ये बात सी, या हमारी ये लाइफ स्टाइल है ये, राइट, तो यकों कैसे ख़त्म करूँ, ये एक आंसर ना मैं ख्याल ना एक मैं एक छोट जोड़ना चाहता हूँ, हमें जो पायलट साहब छिन ड्राइवर वो सोमेश्वराक छिन, तो तब मैं तक पहाड़ी में बुलानी, तो जिसके तो पहाड़ी में बुलानी मिले पहाड़ी में शुरू हो जाए, मैं ख्याल हमें वहाँ दिक्कत ये कि पहले आप वाले को पहली शुरू कर रहा करो, तो लखनऊ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, पहले आप लखनऊ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो यकीन लीजिए, मैं जब बच्चन दगड़ बाथरूम आया था, जब इंडक्शन प्रोग्राम से, तो मैं जब मैं गई, तो बहुत तो नहीं बुलाएं, बट कुछ शब्द में पहाड़ी में बुला लूँगा, तो मैंने कहा करसा नानते नो, ठीक है, दोबारा पूछो करसा नानते नो, तो कुछ ना भल, राइट। तो दिन आई सेट दिस, मैंने कहा बच्चों ये हमारी परेशानी से, तो तुम साथ जो ठीक है, ये हमने खराब कर रहे हो, ये हमारे जनरेशन खराब कर दे ना, या पुराना वालों का हिंदी नहीं ऊँची, तो जनरेशन कुछ ही खराब करी, हम या हमारे यहाँ एक पहली बात, राइट। तो मैंने कहा अब तुम पढ़ना चाहे, मैंने कहा आजकल सोशल मीडिया इधर
हल जबान से राइट सब कौन कर सा तो पहाड़ी में बनाओ ना कुछ पहाड़ी एक नाटक बढ़ा दियो राइट तो इस तरीके से कर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमको प्रमोट करने की जरूरत है इसको बिल्कुल। तो आखिरी में जाते जाते उसी तो आप इधू सीरियस वाल जग में भैर छा वाइस चांसलर हूँ मैं आप पत्तन पहाड़ी गाना गाना तो मेरे को परमिशन हो चाहे नहीं हो मेरे का पत्तन है लेकिन आप एक कोई गाना जो आपको बहुत भल लगो कि लगी रेडियो स्टेशन जो और गाना बिना खत्म नहीं है पाल अब एक्चुअली मैं यस जो जब मैं पढ़ती हूँ न्योली गाँसी था अच्छा राइट तो जंग, मैं जंगल का लकड़ काट रहा जैसे उधर ये तो नहीं वहाँ लकड़ कहाँ पहुँची जंगल में पेड़ तो काट रहा है तो उधर ये समझ थोड़ी नहीं चाहिए कि पेड़ काट रहा इन्वायरमेंट को कदू फर्क पड़ो ठीक वहाँ बोर्ड काट अब पानी प्यास लगी है जंगल में पानी कहाँ हो वो लिसा उमी होती है लिसा जो गमाल होनी गमाल राइट वो गमाल में माथी पर पानी होल और उम्मीद कुछ कीड़ा पड़ी हुई तो कीड़का आप हाथ निकालो वो पानी पीछे वो पानी जो स्वाद सुनो वो आल ले आज राइट तो वह न्योली कह तो न्योली में बट उसमें आवाज बहुत लम्प जी देन उसके बाद बेड़ू पाको बारमास वो तो ऑल टाइम वो है एक वो है झंडिया बाजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी को घामा और बिलोरी जो है वो मेरे घर बाइक्शन है पास में साइड तो अब गाता तो नहीं हूँ मतलब फिर ले एक लाइन छाना बिलोरी हजल अब पता नहीं आवाज नहीं ठीक है के बाद ना हम कर दियो सही आजकल क्या सुनो वाइस चांसलर बन में एक नुकसान छ की वो ऐसे की हर जगह जाके बुला पड़ो राइट और एक साल पहले तक बहुत लेक्चर दी लेकिन साइंस का लेक्चर दे वो तो आँख बंद करके चाँख खड़ा जाओ वहाँ बोलो अब यहाँ कहाँ संस्कृत में कॉन्फ्रेंस वहाँ आप चीफ गेस्ट हो गए यार संस्कृत के प्रकांड लोग बैठे हैं मैं क्या बोलूँगा इसमें तो पढ़ना पड़ता थोड़ा सा रटना पड़ता थोड़ा सा तो ये छाना बिलोरी जो गीत छू ना बारे में थोड़ा पढ़ो जी कहीं पर लिखा था कि ये 70-80 साल पुराण छू क्या लिखा लो पढ़ना ज़्यादा बट ये जनरेट हो तो हो सको क्या चिलील बता कि वहाँ घाम लगनी लगनी है बट जस्ट थिंक अबाउट द क्रिएटिविटी जैला लिखने वालों पढ़ी लिखी नहीं वालों 80 साल हमारे यहाँ हल्द्वानी इधर नैनीताल साइड में तो लोग काफ़ी पढ़े लिखे सर बट जो इलाके में मी हूँ धुराफाट बोलनी हो ठीक से तो पुराने जमाने में कहीं भैर जाना कोई पुछला कहाँ सा कब निकाल में धुराफाट हो किला धुरा फाटा सो जैसा कॉला वाकिल सुने सबसे बैकवर्ड आदमी से न चेल मिले न के तो धुरा फाट नहीं कॉल सो उस समय शायद किसी ने बोला होगा बट आई एडमायर द क्रिएटिविटी ऑफ द पर्सन जिसने उसको इस फॉर्म में उसकी लिरिक भी याद नहीं बट जंदिया बजो छाना बिलोरी लगना बिलोरी का घाम हाथ की दातुली हाथ में रोली जंदिया बजू छाना बिलोरी थैंक यू याद भी नहीं नहीं जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पॉडकास्ट में जो जो हम लोगों ने बातचीत करें और जो आपका विजन है एक ओनरशिप है एक मोटिवेशन है और एक इस यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की एक वन अप करने की जो आप अंदर से चाह है आपकी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जितने पार्टनर्स यहाँ पे हैं स्टेक होल्डर्स हैं जितना आपका स्टाफ है उसके साथ मिलके इसको आप आगे ले जाएंगे और हम वो दिन देखना चाहते हैं बहुत जल्द जब इस नैनीताल के मुख्य द्वार पे एक बोर्ड लगा हो कि यहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी स्थापित बहुत जल्दी हो गए ये कार्यों करती बिल्कुल। तो ये हमारी तरफ से भी हमारे ओहो रेडियो के लिसनर्स की तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू।